For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दोस्तों बिग बॉस के घर में फिलहाल जो टास्क चल रहा है जहां पर दोनों ही कंटेस्टेंट्स यानी दीपक और दीपिका को सच बातें बोलनी है, तो वहां पर जब सुरभि जो है वो दीपिका से ये पूछती हैं कि ऐसी कौन सी कंटेस्टेंट है या ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो दोस्तों के बलबूतों पर दोस्तों के बलबूते पर आगे बढ़ रहा है, वहां पर दीपिका साफ साफ कहती है कि सोमी मुझे लगता है कि वीक कंटेस्टेंट है क्योंकि वो अपना पॉइंट ही प्रूव नहीं कर पाई हैं आज तक कि वो शो में उनका वजूद क्या है। साथ ही साथ जो है वो अपने दोस्तों के बलबूतों पर आगे बढ़ रही हैं। जब टास्क हुआ था अपने आप को सेव करने का, उस टाइम पर सोमी ने जो है एक बार वो रिंग के अंदर आ गई तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी ही नहीं, बहुत कन्वीनियंटली वो वहाँ बैठी रही और नॉमिनेशंस में आई ही नहीं। नॉमिनेशंस में हमेशा सब मिलकर जो है हैप्पी क्लब, सो कॉल्ड हैप्पी क्लब जो है वो मिलकर सोमी को हमेशा बचाता हुआ नजर आया है। तो उस चीज़ को लेकर दीपिका ने जब बात कही, सोमी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गई इस चीज़ से और उन्होंने दीपिका से जाकर साफ कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है ये आपका पॉइंट है, आप ये चीज़ प्रूव कर रही हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके अलावा साथ ही साथ सोमी ने काफ़ी कुछ दीपिका को ये भी कहा कि आप अपना पॉइंट रखिए, आप ये नहीं कह सकती है कि मैं दूसरों के बलबूते पर आई हूँ। तब दीपिका और सीसन जो हैं वो एक साथ आकर सोमी को ये कहते हैं कि आप अगर क्रिटिसिज्म करना चाहती हैं तो क्रिटिसिज्म सहना भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह की कुछ चीज़ें हुई आज के एपिसोड में, आप ये देखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये है कि आपको क्या सच में लगता है कि सोमी जो है वो घर में ढंग से एक्चुअली उनका कोई वजूद नहीं है, कुछ वो खेल नहीं रही हैं घर में। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि उनका कुछ वजूद नहीं है, वो कुछ गेम नहीं खेल रही हैं घर में। साथ ही साथ क्या आपको लगता है सोमी वाकई अपने दोस्तों की मदद से यहाँ तक आई हैं, फिनाले के लगभग इतने करीब आई हैं, तो ये दोस्तों की वजह से आई हैं या खुद का गेम खेल कर आई हैं? प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।